थाना गोपालपुर के अंतर्गत एक गांव में 16 वर्षीय नाबालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। वहीं पुलिस ने युवती की शिकायत पर दो लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। घटना 19 जनवरी 2020 रविवार की है, जब नाबालिग युवती अपने घर पर अकेली थी। तभी ग्राम के ही विजय मीणा, पिता चंबालाल मीणा एवं धूम सिंह मीणा आए और माता पिता की पूछने लगे, तो वहीं नाबालिग युवती ने कहा कि वो रिश्तेदारी में गए हैं। घर पर अकेली होने का फायदा उठाकर दोनों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर जाने से मारने की धमकी दी। वहीं नाबालिका के माता पिता जब 4 दिन बाद घर लौटे तो युवती द्वारा अपनी आप बीती सुनाई, जिसके बाद युवती के माता पिता द्वारा गोपालपुर थाना आकर आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। खातेगांव से सादिक खान की रिपोर्ट। क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे साथ बहुत गलत काम हुआ। मेरे मम्मी पापा घर पे नहीं थे और किसी काम से गए थे बाहर, गए थे तो विजय और धूम सिंह आए दोनों। विजय ने मेरे साथ जबरदस्ती करी, मेरे साथ बहुत गलत काम करा और उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको फांसी दे। आपको किसी प्रकार की धमकी भी दी है क्या? उसको मुझे बहुत धमकी दी उसने। उसने कहा कि अगर तूने आज ये मम्मी पापा को ये बात बताई तो मैं तेरा वीडियो सब दूर खिला दूंगा, और वीडियो खिला दे अगर तू बता दे। बहुत धमकी दी मुझे उसने, बहुत धमकी दी। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि इसको फांसी लगे।